हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 76वां वीडियो है। 76 इस वीडियो में मैं आपको पहले की तरह कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला रेड लाइन सिम्टम है स्टिग्मेटा, स्टिग्मेटा मतलब टिंचर। ये जो है हम ऐसे केस में देते हैं, इनलार्ज प्रोस्टेट एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन। दोस्तों, प्रोस्टेट की सबसे अच्छी दवाई जो है सबल सेरोटा जानी जाती है। अगर किसी का प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है तो उसको सबल सेरोटा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार, ये जो है ये सब डॉक्टर जानते हैं और अक्सर जो है बहुत सारे पेशेंट जानते हैं। लेकिन अगर प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है और प्लस रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है, इनलार्ज प्रोस्टेट एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन, तो उसके लिए आप स्टिग्मेटा रामबाण दवाई है। स्टिग्मेटा मदर टिंचर 15 बूंद करके 2-2 घंटा पर, 3-3 घंटा पर लगातार दीजिए, तो उनका जो है प्रोस्टेट आस्ते आस्ते नॉर्मल हो जाएगा और उनका जो है यूरिन का जो रिटेंशन होता है वो भी आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एग्नेस, और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर जो है हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड गनोरिया, माने इतिहास बना हुआ है कि गनोरिया आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, गनोरिया का हिस्ट्री हमेशा आ रहा है, इसके लिए आप जो है एग्नेस जो है 200 पावर में एक दिन छोड़कर एक दिन लगातार कुछ दिन दे दीजिए। अगर इस एग्जैक्ट यही सिम्टम मिलता है तो वह दवाई काम कर जाएगी और जो है पेशेंट को गनोरिया से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कास्टिकम, और इसका रेड लाइन सिम्टम एक यह है कि रिटेंशन ऑफ यूरिन आफ्टर सर्जरी। अगर किसी को सर्जरी हो गई किसी चीज़ का और उसके बाद में उनको जो है पेशाब उनका रुक गया है, तो इसके लिए कास्टिकम सबसे बढ़िया दवाई है। कास्टिकम 200 15 मिनट पर 3 बार दीजिए, तो अगर सर्जिकल ऑपरेशन के बाद में उनका पेशाब रुक गया है तो कास्टिकम इसके लिए रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्रोप्सोल। इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर आपको मस्से हुए हैं तो आप मस्से की दवाई कर दिए, ठीक हो गया, एक मस्से ठीक हो गया, उसके बाद में फिर एक मस्से निकल गया तो आप फिर दवाई करिए, फिर हो गया, तो मस्से से आपका पीछा नहीं छूट रहा है, तो टेंडेंसी ऑफ वार्ड्स, अगर मस्से एक पर निकल रहे हैं तो इसके लिए आपको नेट्रोप्सोल लेने की ज़रूरत है। आप नेट्रोप्सोल 200 सप्ताह में एक बार लगातार कुछ दिन तक ले लीजिए तो आपका मस्सा कभी जीवन में निकलेगा नहीं। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मैंगनम एसिटिकम, और इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है अगर आपको सर्दी हुई है तो पहले सर्दी होती है, उसके बाद खांसी आएगी, उसके बाद में फिर जो है ब्रोंकाइटिस होगा धीरे धीरे। लेकिन इसमें क्या होता है कि सर्दी शुरू होते ही ब्रोंकाइटिस हो गया, माने इतना तेज सर्दी होती है, सर्दी जो है एंड्स इन ब्रोंकाइटिस, सर्दी हो गई है बिना ब्रोंकाइटिस हुए बीमारी को चैन नहीं मिलेगा, तो ऐसे सिम्टम में आपको मैंगनम एसिटिकम। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि बोलते हैं डॉक्टर साहब सर्दी होती है तो ब्रोंकाइटिस हो जाती है, तो ऐसे सिम्टम के लिए कि सर्दी शुरू होते ही ब्रोंकाइटिस हो गया, तो इसके लिए मैंगनम एसिटिकम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लिया जाए, तो उनकी सर्दी तक खत्म हो जाएगी, उनकी सर्दी ब्रोंकाइटिस तक नहीं पहुंचेगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है डिजिटलिस। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को स्पर्म टूटिया हो गया, माने उनका नाइट फॉल हो गया, सोए हुए हैं आराम से, उनको नाइट फॉल हो गया, तो कुछ दवाइयों में ऐसा लक्षण है कि उनको मालूम नहीं पड़ता है, सुबह मालूम पड़ता है, और नाइट फॉल होते ही उनकी नींद उखड़ गई और उठ के बैठ गए, ऐसा कभी कभी होता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये शेड्यूल बन गया है कि नाइट फॉल होते ही नींद खुल जाती है, एग्जैक्ट यही सिम्टम मिलना चाहिए, ऐसे केस में डिजिटलिस 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 2 हफ्ता तक ले लीजिए, तो आपका इस तरह का जो नाइट फॉल होता है वो हमेशा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओस्मियम, और इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि आपने इंटरकोर्स कर लिया तो इंटरकोर्स करने के बाद भी आपका जो है स्पर्म ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जाता है, आप परेशान हो गए हैं, तो अगर जो है एक कभी कभार होगा तो ठीक है, लेकिन अगर इंटरकोर्स करने के बाद में स्पर्म ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता ही जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको न तो किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो ओस्मियम 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना तक ले लीजिए, आपकी इस तरह की समस्या हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है लैकेसिस, और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है गैंग्रीन पर है। हालांकि गैंग्रीन बहुत ही खराब बीमारी है, इसमें जो है भगवान करे किसी को नहीं हो, क्योंकि गैंग्रीन हो जाने से यहाँ तक कि वो जो है पाँव में हो गया या कहीं भी हो गया तो वो पार्ट को डॉक्टर काट देते हैं। अगर किसी का इतिहास मिले कि गैंग्रीन तो हो गया है ड्यू टू इंजरी, तो अगर इंजरी के बाद में गैंग्रीन हुआ है तो आपको वार्निका देने की जरूरत नहीं है, अगर इंजरी के बाद में गैंग्रीन हो गया है तो आप लैकेसिस लीजिए। लैकेसिस जो है 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए, तो इंजरी के बाद में जो गैंग्रीन होता है इसके लिए लैकेसिस एक रामबाण दवाई है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया।
अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drpstiwari.com। आप हमारे ऐप में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है drpstiwari, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।